जे चैनल पाई गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दबा दियो और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। स्टेट हरियाणा देखण और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन सेरेगिल की राम राम। कृषि अध्यादेशों का विरोध झेल रही केंद्र सरकार अब किसानों को मनाने में जुट गई है। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकार अक्टूबर में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से लेकर 100 रुपये तक की बढ़ोतरी कर सकती है। नई दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने संकेत दिए कि किसानों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी राहत देगी। उन्होंने बताया कि रबी की फसलों पर 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़त अक्टूबर माह में दी जा सकती है। संकेत दिया गया कि केंद्र सरकार अक्टूबर के पहले माह में रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाएगी। इससे हरियाणा और पंजाब के किसानों को भी काफ़ी लाभ होगा। कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब रबी की फसलों की सरकारी खरीद के लिए MSP बढ़ा देगी तो किसान आंदोलन भी समाप्त हो जाएंगे। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को भ्रामक प्रचार में फंसाया है। अब किसानों से इस प्रचार का असर उतरने में 10 से 15 दिन लगेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि अध्यादेशों से किसानों के हित के लिए उठाया गया कदम है। किसानों के बेहतर भविष्य के लिए मोदी सरकार ये बिल लेकर आई है। रतन लाल कटारिया ने कहा कि किसानों के बीच जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मंडी और MSP पर इसका कोई असर नहीं होगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।